बार फिर से एक मामला ऐसा सामने आया है कि लगातार हम लोग कहते हैं कि बाइक किसी और की है और चलान किसी और को आ जाता है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वहां पर गलतियां रहती हैं और उस गलती की वजह से चलान जो है वो किसी और को आ जाता है। यहाँ पर कुछ गलती ऐसी है कि यहाँ पर हम ट्रैफिक विभाग को भी इतना नहीं कहेंगे कि आपकी गलती है। बेसिकली नंबर प्लेट देखे आप, ये जो स्प्लेंडर की नंबर प्लेट है ये JK02CX6487 और जो चलान आया हुआ है वो मैं आपको बता दूं 6482 का चलान आया हुआ है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्प्लेंडर बाइक है और जब ये चलान आया जो कि आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, चलान जो है वो स्कूटी का है और इनके पास बाइक जो है वो स्प्लेंडर है, पर इनको मैसेज आता है कि आपने ट्रैफिक वायलेशन की है और आपको जो है वो चलान भुगतना होगा। ये सोचते हैं कि हम ट्रैफिक वायलेशन करते नहीं है, हमने हेलमेट भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ना जाने चलान कैसे आ गया। पर जब इन्होंने वो चलान खोलकर देखा तो उसके ऊपर स्कूटी का चलान था जो कि आप स्क्रीन पर इस समय देख भी रहे हैं और स्कूटी की वहां पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे जो है वहां पर जो है वो 2 है और 2 की जगह जो है वो हल्का सा नीचे से मिट चुका है और 7 को चलान आ गया, यानी कि इस भाई साहब को चलान आ गया। भाई साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी मुझे बताएं, जब ये चलान आपको कल आया है तो आपने सोचा होगा कि मेरी बाइक तो घर पे चलान किस तरह से आ गया? वही सर, जैसे कल दोपहर को मेरे को मैसेज आता है ये बाइक मेरे भाई के नाम से है तो उसका मेरे को कॉल आता है तो वो कहता है कि मेरे को एक चलान आया तो मैं भी तूने कहीं बाहर तो लिया? हाँ बाहर तो लिया, तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा मेरी बाइक चली नहीं, एक जगह वाहन खड़ा रहा तो चलान कैसे आ गया, तो मैंने उनको कहा मैसेज सेंड कर मेरे को, मैंने फोटो देखना है। तो जैसे उसने मैसेज सेंड किया मैंने फोटो देखा, वहां देखा स्कूटी का चलान, तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा यार ये कैसे चलान आ गया, तो फिर मैंने ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक दफ्तर है ये छोटा सा कैबिन, उसके पास गया। मैं सर को बोला सर मेरे को चलान आया, मुझे किस चीज़ का है, फोटो तो स्कूटी का है। तो जब मैंने वो उनका नंबर पढ़ा तो उधर देखा एंड में वो 2 था, तो वो 2 थोड़ा सा कट गया था, 7 था नीचे से, वो 2 जो है वो फीका पड़ गया। हाँ फीका पड़ गया था, वो 7 बन गया, तो चलान मेरे को आ गया। जब मैंने फोटो देखा मैं स्कूटी, फिर उन्होंने फिर वहां सर्च किया, सर्च में सुपर स्प्लेंडर निकला, जब उन्होंने 2 डाला तो वो स्कूटी निकला, तो उन्होंने कहा फिर दफ्तर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, अब इससे हमारी दिहाड़ी में एक किस्म का हमारा खर्चा भी हमारा। आप क्या काम करते हैं? सर मैं ऐसे कंपनी में लगा हूँ छोटी मोटी। आज छुट्टी ली आपने? आज छुट्टी के लिए स्पेशल, आज मेरा भाई वहाँ चक्कर लगा रहा है, वहाँ आरसी उर्सी लेके कैंसिल करवाने गया, उसका भी था, कल भी गया था, कल दफ्तर बंद था, कल भी हमारा ऐसे ही आधी दिहाड़ी मतलब आधा डे पूरा कट गया उसकी वजह से। तो भाई साहब कह रहे हैं कि चलान जब मुझे आया तो मेरे भाई ने भी पूछा कि कहीं आपने स्प्लेंडर जो है कहीं बाहर तो नहीं लेकर गए, कहीं बाइक वायलेशन तो नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने तो कोई वायलेशन की नहीं, मैं गया नहीं, पर जब उन्होंने क्लिक किया फोटो निकला स्कूटी का। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, वजह यह है कि ये जो 7 है वहां पर स्कूटी पर ये 2 था, वो नीचे से मिटा हुआ था तो पूरा 7 दिख रहा था, तो चलान जाना था 82 को और चला गया 87 को, जो कि इन्हें आ गया चलान। और जब इन्होंने खोलकर देखा पिक्चर वहां पर स्कूटी की थी, जो कि स्कूटी वाले जरूर वायलेशन कर रहे थे। अब यहां पर मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि गलती जो है ट्रैफिक विभाग की भी नहीं है, उन्होंने जब नंबर डाला तो उन्होंने 82 डाल दिया और 87 जो है वो यहाँ पर चलान पहुंच गया, गलती से 87 डाल दिया। अब बात ये है कि भाई साहब को चलान आने के बाद जो है इनका लगभग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो छुट्टी ली, अब आपको पता ही है प्राइवेट कंपनी वाले जब छुट्टी देंगे तो तनख्वाह तो जरूर काटेंगे, साथ में ही इनको जो है दौड़भाग करनी पड़ रही है, अब यहाँ पर इनको चलान कैंसिल करवाना है। तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि लगभग ये जो चलान है इनको तो हो ही गया, क्योंकि इनका तो 500-700 नुकसान हो गया, इनको तो चलान हो गया। अब यहाँ पर सिस्टम में खराबी है, जब नंबर भरा गया शायद इस चीज को सर्च नहीं किया जाता, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जो है लगातार चलान जो है वो काटते हैं, नंबर डाल देते हैं, देखते नहीं है वाहन कौन सा है, कौन से वाहन का चलान है, ये चीज अब जो है इनको भुगतनी पड़ती है। जो आम जनता है अब बिना वायलेशन करने के बावजूद चलान आया है, इतनी रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा ट्रैफिक विभाग के लगभग इनका चलान जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, और वो हमें पता है कि वो चलान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने श्रीनगर में देखा था कि श्रीनगर में कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन दी थी विभाग को कि आप पहले अपना सिस्टम सही करिए, उसके बाद लोगों के ही चलान करिए, तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में जो है वो जरूर गड़बड़ी है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे अनियत कुलडीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।